स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और हमारा चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नेम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 5th एंड इट्स थर्ड पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First aid is the immediate help given to the wounded or injured person before proper medical aid arrived. Proper first aid can prevent the injury from getting worse and can sometimes even save a life. First aid यानी किसी भी घायल व्यक्ति को, चोटिल व्यक्ति को एक उचित चिकित्सा पहुंचने से पहले जो तत्काल चिकित्सा दी जाती है, जो उपचार किया जाता है, उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स। उचित प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार किसी इंजर्ड पर्सन को उसके इंजरी को और बेकार होने से बचा सकती है और कभी कभी इससे जीवन भी बच जाता है, ये लाइफ सेवियर भी हो जाता है, कहलाता है। फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज, विभिन्न प्रकार के चोटों के लिए, घाव के लिए फर्स्ट एड कैसे कैसे होता है ये जाने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम बर्न पे यूज़ करेंगे उसी को अगर कट पे भी यूज़ करें तो दोनों के लिए सेम तो होगा नहीं। वैसा तो होता नहीं कि जलने पे इंसान तुरंत पानी डालता है, कट करने पे पानी नहीं डालते, पहले तो खून को बंद करने की कोशिश करते हैं ना। बर्न, इफ़ द बर्न इज़ माइनर, अगर छोटा मोटा जला हुआ है, पुट द बर्न एरिया इमिडिएटली अंडर द कोल्ड वाटर, तो तुरंत उसे ठंडे पानी में रखना चाहिए। दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर फ्रॉम बींग फॉर्म्ड। इससे क्या होता है, जो हमारा जला हुआ एरिया होता है वो तुरंत ठंडा हो जाता है और उस पर छाले पड़ने से रह जाते हैं, यानी उस पर छाले पड़ने से रुक जाते हैं। ए सीवर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर, और एक अगर गंभीर चोट लगी है, जला हुआ है तो उससे छाले पड़ते हैं। नेवर प्रिक द ब्लिस्टर, इफ अ ब्लिस्टर ओपन्स वॉश द एरिया विद सॉप एंड वाटर। कभी भी जो ब्लिस्टर यानी जो छाले पड़ते हैं उनको फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि और अगर कोई छाला फूट जाता है तो जहाँ पे उसका पानी, मतलब जो छाले के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो जहाँ फैलता है, तुरंत उसको, उस एरिया को वाटर से वॉश करना चाहिए और सॉप का यूज़ करना चाहिए। कवर इट लाइटली विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ और बैंडेज, और इसको हल्के से किसी साफ सुथरे कपड़े या बैंडेज से कवर करना चाहिए। ए पीस ऑफ क्लियर क्लॉथ डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर कैन बी अप्लाइड टू द बर्नट एरिया। एक साफ कपड़े का टुकड़ा उसको बेकिंग सोडा के घोल में डालने से और उसको जले हुए एरिया के ऊपर अप्लाई करने से राहत मिलती है। बेकिंग सोडा जानते हैं, जो रोट वगैरह में डाला जाता है, खाने में यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ सीवर बर्न, गंभीर जलने के केस में, द पेशेंट शुड बी टेकन टू डॉक्टर इमीडिएटली, पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बर्न्स ड्यू टू केमिकल सच एज एसिड शुड बी वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। कुछ केमिकल से जलने वाले, जैसे कि एसिड है या फिर और केमिकल्स हैं, अगर उनकी वजह से हाथ या पैर या फिर जो भी आपका शरीर का कोई भी हिस्सा हो जलता है, तो तुरंत उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी से धोना चाहिए। देन फॉलो द ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ बर्न, और तब जैसे कि जलने के केस में कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है वैसे ही यूज़ कीजिए, लेकिन सबसे पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी से धुलिए। वाउंस, चोट, घाव,
माइनर वॉन्स छोटे घाव, इन केस ऑफ माइनर कट एंड स्क्रैचेस, अगर कोई छोटा मोटा कटा हुआ है या स्क्रैच हुआ है, वॉश द वाउंड विद सॉप एंड वाटर, तो तुरंत उसको घाव को पानी से और साबुन से धोना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लाइक सेवलॉन और डेटॉल ऑन इट, और एंटीसेप्टिक जैसे कि सेवलॉन या डेटॉल को उस पर लगाना चाहिए। इन केस देयर इज अ लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, अप्लाई आइस ऑन द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर घाव से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो तो खून के निकलने को रोकने के लिए उस पर बर्फ लगाना चाहिए। कवर द वाउंड विथ अ बैंडेड, और उस घाव को बैंडेड से कवर कर देना चाहिए। डीप वाउंड, गहरे घाव, इन केस ऑफ डीप वाउंड, गहरे घाव के केस में क्लीन द वाउंड विथ सॉप एंड वाटर, घाव को पानी और साबुन से साफ करना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक एंड टेक ए पर्सन टू ए डॉक्टर, इस पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए और तुरंत उस इंसान को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इफ़ द वाउंड इज कस्ड बाई अ रस्टेड और आयरन और डर्टी ऑब्जेक्ट, आस्क द डॉक्टर फॉर एन एंटी टिटनस इंजेक्शन, अगर वो चोट किसी जंक लगे लोहे से हुई हो या किसी गंदे चीज से हुई हो जिस पर गंदगी लगी हो और उससे उसको चोट लगी हो, चाकू कह लीजिए या फिर लकड़ी या फिर जो भी हो, ईंट पत्थर कहीं से भी, अगर वो जगह गंदी हो और उससे चोट लगी हो, तो डॉक्टर से उससे पूछना चाहिए डॉक्टर से कि क्या इसके लिए टिटनेस इंजेक्शन सही रहेगा, और डॉक्टर से पूछ के इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए टिटनेस का। समटाइम अ टाइट बैंड कॉल्ड टर्निक्यूट इज ट्विस्टेड अबव द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वाउंड एरिया एंड दैट स्टॉप ब्लीडिंग। कभी कभी एक टाइट बैंड होता है जिसे कि टर्निक्यूट कहते हैं, घाव के ऊपर मोड़ कर बांधा जाता है जिससे कि ब्लड जो होता है, ब्लीडिंग जो होती है, जो खून बह रहा होता है वो बंद हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो घाव का एरिया होता है उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, ये टाइट होता है जिससे कि खून जो होता है वो रुक हो जाता है। एनिमल बाइट, जानवर का काटना, एनिमल बाइट क्या होता है, डॉग्स और कैट बाइट, इनके लिए भी रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। द सलाइवा ऑफ डॉग्स और कैट मे कैरी रेबीज वायरस, सांप होता है, सांप की जो आगे का दांत होता है यानी फैंग, उससे अगर वो काटता है तब क्या होता है, जहर फैलता है। लेकिन जो कुत्ता होता है या बिल्ली होती है, इनके सलाइवा यानी कि लार में ही रेबीज होता है, वो जहर जो होता है इनके लार में ही होता है। शो वॉश द वाउंड ट्रॉली विद सॉप एंड वाटर एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम, अगर काटा है तो तुरंत तो आप रेबीज के इंजेक्शन लगाएंगे नहीं, ब्लड निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो उस घाव को तुरंत सॉप और वाटर से धो के एक एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना चाहिए, लगाना चाहिए। द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर टू गिव एंटी रेबीज वैक्सीन, और डॉक्टर के पास तुरंत उस यानी कि जब भी हो 24 घंटे के अंदर या फिर जब भी हो उस डॉक्टर के पास ले जाइए उस पेशेंट को जिसको कुत्ता या बिल्ली काटा हो, और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना चाहिए। आप लोगों को भी अगर कभी बाहर कुत्ता काटता है तो आप घर पे जरूर बताएं, इस बात को कभी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बाद में जाके बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने घर पे ज़रूर बताएं। स्नैक बाइट, स्नैक बाइट कैसे होता है, द पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नैक ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, जो पॉइजन होता है जब सांप काटता है अपने दांतों को दसाता है तो वो हमारे नसों में जाता है उसका जहर, और जब हमारे नसों में जाता है तो क्या होता है, वो हमारे खून के सहारे यानी खून से होते हुए हमारे नर्वस सिस्टम तक जाता है, हमारे हार्ट तक जाता है, और क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो शिथिल होने लगता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। अ टाइट बैंडेज शुड बी टाइट बिटवीन द वाउंड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो
ऑफ ब्लड सो दैट द पॉइजन कैन नॉट सर्कुलेट विथ ब्लड द पेशेंट शुड बी रस्ट टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं किसी भी पेशेंट को। अगर मान लीजिए कि आपकी उंगली में काटता है तो उंगली से थोड़ा ऊपर कोई हिस्सा तुरंत वहाँ पे बहुत ही टाइटली उसको वहाँ पे कोई चीज़ बांधनी चाहिए, चाहे धागा कहिए रस्सी कहिए, बांध देना चाहिए ताकि वो जो जहर है वहीं तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए और आगे ना फैल पाए। या फिर अगर हमारे हाथ के बीच में काटता है तो उससे थोड़ा नीचे और उससे थोड़ा ऊपर दोनों तरफ बैंड अप्लाई करना चाहिए, बांध देना चाहिए, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और वो पॉइजन क्या होगा फैलेगा नहीं हमारी बॉडी में, और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और एक बात, जो भी स्नैक होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। तो जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनके बाइट करने पे जो प्रिकल से थोड़े थोड़े मतलब स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं उनके काटने पे, छोटे छोटे जैसे घाव जैसे हो जाते हैं। और जो जहरीला सांप होता है अगर वो काटता है तो दो बिंदी बिंदी से निशान होते हैं, क्योंकि वो उसके स्पेशल पॉइजनस टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, फैंग जिसे बोलते हैं, उससे वो काटता है। तो इस ये देख के भी हम जान सकते हैं कि ये हमें किसी विषधारी सांप यानी विषैले सांप ने काटा है या फिर किसी बिना जहर वाले सांप ने काटा है। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा हिस्सा बचा है उसको हम कल जान लेंगे। ठीक है।